हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हियर अगेन ऑन माय चैनल जानकारी हित माय सेल्फ हित अभिलाषी शर्मा। आज गल करांगा थोड़े नाल मैं डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। तो नहीं गल दसा कि सेंट्रल बैंक ते कमर्शियल बैंक नाल रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल ते ने। ठीक इस तो पहला मैं उन्हां दी लिंक तुहानू नीचे दे रहा, तुसीं उन्हां नू देख सकदे हो। आओ दोनों दे डिफरेंस दी गल करिए। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है यह सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक के डिफरेंस का। लेट्स मूव अहेड विद मी टू डिस्कस टूडेज कॉन्टेंट। यस स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो के विच असी गल करते हैं डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। एक गल साफ है, तुहानू सारयां नू पता होगा कि दोनों फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशनस ने, दोनों ही देश के विच जो मॉनेटरी सप्लाई है उदे नाल डायरेक्टली जुड़े हुए ने। किसी भी हालत दे विच असी इन्हां नूं मनी दे कॉन्सेप्ट तों अलग नहीं कर सकते। मॉनेटरी इंस्टीट्यूशनस ने दोनों दियां दोनों। इस तों इलावा जो सेंट्रल बैंक है वह क्रिएटर ऑफ मनी है, जदों कि कमर्शियल बैंक मनी नाल डील करता है उहदी सप्लाई दे नाल रिलेटिड जो सेंट्रल बैंक दियां इंस्ट्रक्शनस होंदियां ने। दोनों ही दोनों क्रेडिट क्रिएशन दे विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चाहे सेंट्रल बैंक है या देश के कमर्शियल बैंक। इस तो इलावा थोड़ी जानकारी लिए भी दसा, जिहड़ा कमर्शियल बैंक है उसका एज ए बैंकर जो काम करता वह सेंट्रल बैंक होंदा, तो आम लोगों का जो बैंकर होंदे ने वह कमर्शियल बैंक होंदे ने। सो सेंट्रल बैंक इज़ द बैंकर टू कमर्शियल बैंक एंड कमर्शियल बैंक्स आर द बैंकर टू जनरल पब्लिक, आम लोगों के बैंक होंगे ने। लेकिन दोनों है बैंकर ही ने। एक गल ध्यान नाल सुनो, ये दोनों के कुछ समानतावान जोड़े लगभग मिलते जुलते काम करते हैं, लेकिन दोनों से बहुत सारे डिफरेंस भी ने। आओ उन्होंने बारे गल करिए। जो भी अंतर की गल होंगी है किसी भी कॉन्सैप्ट किसी बेस के उत्ते ही असी अंतर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, असी दो व्यक्तियों की तुलना करनी है स्टूडेंट, तो असी किवें तुलना करा, वो कि पढ़िया लिखा है, उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट किन्ना है, कुछ ना कुछ बेस लेके असी उन्हां दी तुलना करते हैं। सिमिलरली जदों असी किसी सबजैक्ट के किसी कॉन्टेंट्स की आपस के डिफरेंस करना है, तुलना करनी है, तो कोई बेस होना चाहिए। आओ उन्होंने डिफरेंट बेसिस के उत्ते असी दोनों कमर्शियल बैंक से सेंट्रल बैंक की तुलना करते हैं। सब तो पहला है डिफरेंस रिगार्डिंग ऑब्जैक्टिवस, उद्देश की है। जो देश का सेंट्रल बैंक होंगे किसी भी देश का, उसका मतलब एक ही होंगे कि फास्टर रेट ऑफ इकनोमिक डिवेलपमेंट, इकनोमिक स्टेबिलिटी देश के किवें लियांदी जा सकती है, आर्थिक स्थिरता भी रहे, तो आर्थिक तरक्की भी होवे, उन्नति होवे, तेज़ गति दे नाल होवे। इहदा मेन ऑब्जेक्टिव होंगे किसी भी देश के सेंट्रल बैंक का, जिवें साढ़े देश का सेंट्रल बैंक RBI या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जदों कि दूसरे पासे कमर्शियल बैंक का जिहड़ा मेन ऑब्जेक्टिव होंगे टू अर्न मैक्सीमम प्रॉफिट, प्रॉफिट किमें कमाया जाए, वध तो वध लाभ किमें कमाया जा सकता है, तो लाभ का वह कमाता एक ही ढंग होंगे कि जिस रेट पर वह लोन लंदा, लोन का मतलब लोगों का पैसा डिपोजिट करवाता अपने को, लोन दिंदा लोगों, पैसा उधार दिंदा, वो का जोड़ा गैप है वो प्रॉफिट का मेन आधार होंगे। क्योंकि जदों उसने लोगों तो पैसा डिपोजिट करवाना, उसते रेट ऑफ इंट्रस्ट घट दिंदा, तो जदों लोन के रूप से पैसा दिंदा उदों उन्हां तो रेट ऑफ इंट्रस्ट ज़्यादा लंदा है, तो उस हालत उन्होंने पैसा बचता, प्रॉफिट होंदा है। जिहड़े सेंट्रल बैंक ने देश दे, उन्हां दा मेन मकसद की दस्सिया, मेन ऑब्जेक्टिव की दस्सिया कि फास्टर रेट ऑफ इकनोमिक डिवेलपमेंट, इकनोमिक स्टेबिलिटी उन्हां दा मेन उद्देश है। जदों कि कमर्शियल बैंकों का मेन उद्देश की होंदा, वध तो वध प्रॉफिट कमाना। क्लीयर हो गया है। सैकेंड जिस बेस के उत्ते असी गल कर सकते हैं दोनों के डिफरेंस की, वह डिफरेंस रिगार्डिंग डायरैक्ट ट्रांजैक्शन विद पीपल। दोनों का आम लोगों के नाल, पब्लिक के नाल डायरैक्ट रिलेशन है या नहीं, इस आधार पर असी तुलना कर सकते हैं। जिहड़ा देश का सेंट्रल बैंक होंदा किसी भी देश का, इहदा देश की आम पब्लिक दे नाल कोई डायरैक्ट रिलेशन नहीं होंदा, डजंट हैव एनी डायरैक्ट रिलेशन विद द पब्लिक, सेंट्रल बैंक। दूसरे पासे कमर्शियल बैंक की गल करिए, उन्हां दा डायरैक्ट रिलेशन होंदा पब्लिक दे नाल, आम लोगों दे नाल देश दे। क्लीयर हो गया, ये भी एक डिफरेंस का आधार है। नैक्सट है डिफरेंस रिगार्डिंग द ओनरशिप।
मालकियत किसकी है दोनों के उपर। सब तो पहला देश का जो सेंट्रल बैंक होंदा है इसकी मालकियत देश की गवर्नमेंट के हाथ होंदी है, इसकी जिहड़ी ओनरशिप है। जो कि जिहड़े कमर्शियल बैंक ने इन्हां दी ओनरशिप सरकार कोल भी हो सकती है तो प्राइवेट हाथों च भी हो सकती है। जिन्हें भी कमर्शियल बैंक ने साडे देश देखो SBI है, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB है, ये सारे गवर्नमेंट बैंक ने, पब्लिक सैक्टर के सारे नैशनलाइज्ड बैंक ने। दूसरे पासे HDFC है, एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है, ये सारे के सारे प्राइवेट ओनरशिप के भी आते हैं। सो इन्हां दी जिहड़ी मालकियत है सरकारी भी हो सकती है तो प्राइवेट भी हो सकती है जिहड़े कमर्शियल बैंक ने। तो ओनरशिप के आधार के उत्ते भी दोनों च डिफरेंस पाया जाता है। द नैक्सट डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक वी कैन डू ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस रिगार्डिंग मोनिटरी सिस्टम। जो सेंट्रल बैंक है रेगुलेट करता है मोनिटरी सिस्टम नू किसी देश दे विच, जदों कि कमर्शियल बैंक सिर्फ मोनिटरी सिस्टम का एक पार्ट ने, उस सेंट्रल बैंक की हैल्प करते हैं उसके ऑब्जेक्टिव नू पूरा करन दे विच, जो जो वो उद्देश ने मोनिटरी सिस्टम दे विच उन्होंने पूरा करन दे विच उसकी हैल्प करते हैं। नैक्सट है डिफरेंस रिगार्डिंग राइट टू इशू करंसी नोट्स। जो देश का सेंट्रल बैंक होंदा है उसकी करंसी नोट्स नू इशू करन दा मेन काम किसी भी देश दे विच देश दे सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है। दूसरे पासे देश दे विच मनी की सप्लाई नू बनाई रखना ये काम तो वह कर सकते हैं विद द हैल्प ऑफ सेंट्रल बैंक, बट वो करंसी नोट जारी नहीं करते देश दे कमर्शियल बैंक। नैक्सट डिफरेंस इज डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ राइट टू नोट इशू। किसी भी देश के जो करंसी नोट इशू करने होंगे ने उन्होंने इशू करन दा काम देश का सेंट्रल बैंक कर रहा है, जदों कि कमर्शियल बैंक्स कोई यह राइट नहीं होंगे, यह अधिकार नहीं होंगे। नैक्सट है डिफरेंस रिगार्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ कंपीटिशन कह सकता है या डिफरेंस रिगार्डिंग कंपीटिशन। सेंट्रल बैंक की किसी भी देश के विच पूरी मोनोपोली होंगी है, वह कोई कंपीटीटर नहीं होंगे, पूर्ण एकाधिकार होंगे। दूसरे पास कमर्शियल बैंक्स की जो गल करते हैं उत्थे पूर्ण रूप से कंपीटिशन होंगे, एक दूसरे नाल कट थ्रोट कंपीटिशन होंगे बैंक्स का, हर बैंक दूसरे बैंक तो अगे जाना चाहता है, अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहता है, अपने कस्टमर्स को इनक्रीज करना चाहता है। इसी तरह डिफरेंस करते हैं डिफरेंस रिगार्डिंग कंट्रोल ओवर फॉरन एक्सचेंज। देश का जो फॉरन एक्सचेंज रिजर्व है उसके कंट्रोल के आधार के उत्ते असं डिफरेंस कर सकते हैं। देश का जिन्ना भी फॉरन एक्सचेंज रिजर्व होंगे वह कस्टोडियन होंगे देश का सेंट्रल बैंक। जदों कि फॉरन एक्सचेंज नू डील करन दे विच कमर्शियल बैंक हैल्प करते हैं, सेल परचेज करते हैं फॉरन एक्सचेंज की, बट कस्टोडियन नहीं होंगे, वो रखवाले नहीं होंगे। नैक्सट डिफरेंस जो असं कर सकते हैं कमर्शियल बैंक तो सेंट्रल बैंक के डिफरेंस रिगार्डिंग रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट। जोड़ा सेंट्रल बैंक होंगे वो देश की गवर्नमेंट के एजेंट बैंकर एडवाइजर के रूप के काम करता है, जदों कि देश के जोड़े कमर्शियल बैंक ने वो डील करते हैं गवर्नमेंट के नाल ठीक उस तरह जिमें कि वह सेंट्रल बैंक के रीप्रजेंटेटिव हो। जो सेंट्रल बैंक उन्होंने हदायत देंदे उहदे अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट दे नाल डील करते हैं, पर कदे भी उन्हां दा गवर्नमेंट्स दे एज ए बैंकर एडवाइजर के रूप से काम नहीं करते जिमें कि देश का सेंट्रल बैंक करता है। नैक्सट डिफरेंस जिहड़ा असीं कर सकते हैं डिफरेंस रिगार्डिंग म्यूचुअल डिपेंडेंस। जिहड़े देश का सेंट्रल बैंक है वह बैंकरस बैंक होंदा है, बैंकों का बैंक होंदा है, देश के जिन्हें भी कमर्शियल बैंक ने उन्हां दे बैंकर के रूप से काम करता है देश का सेंट्रल बैंक। जदों कि देश के जोड़े कमर्शियल बैंक ने पूर्ण रूप के सेंट्रल बैंक के उत्ते डिपेंड करते हैं, ये गल ध्यान रखियो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिफरेंस, क्योंकि होर भी बहुत सारे डिफरेंस ने जिंदी मैं गल कर रहा, वो है रोल इन द मोनिटरी पॉलिसी। जो देश का सेंट्रल बैंक होंगे किसी भी देश का वो मोनिटरी पॉलिसी बनाता है, वह मेकर होंगे। दूसरे पास कमर्शियल बैंक जोड़े होंगे ने किसी भी देश के देश की मोनिटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक के अनुसार जो बनाई हुई होंगी उन्होंने एग्जीक्यूट कर हैल्प करते हैं, वह हैल्पिंग हैंड होंगे ने देश के सेंट्रल बैंक का, बट वो पॉलिसी मेकर नहीं होंगे। सो स्टूडेंट्स ये इन्हों डिफरेंस। यस स्टूडेंट्स आई थिंक द होल कंसैप्ट इज़ क्वाइट क्लीयर। जेकर अज के कॉन्सैप्ट रिगार्डिंग कोई क्वेरी है वो तुसी नीचे कमेंट बॉक्स आगे कमेंट दे सकते हो, आई विल ट्राई टू आंसर देयर। इस चैनल दे इकोनॉमिक्स ते कमर्स रिलेटेड होर बहुत सारिया वीडियोज़ ने, मोटिवेशनल वीडियोज़ भी ने, तुसी उन्हां नू देखो। आने वाली वीडियोज़ का इंतजार करो। टिल देन थैंक यू वेरी मच।